इन्होंने शायद कही कहा होगा कि मैं सईद भाई को कि मैं इंग्लिश सीखने लगा हूँ, हाँ. तो उन्होंने कहा पहले उर्दू तो सीख लो. हाँ बिल्कुल कहा. इतनी सेंस उसने आकिब को कहा था. आकिब को कहा कि आकिब कहा था यार मैं तो ना सेकंड ईयर में, आकिब ने कहा मैं सेकंड डिवीजन ली थी, तो उसने कहा कि अगर क्लास में सिर्फ एक ही लड़का पढ़ता हो उसमें भी तुम सेकंड डिवीजन नहीं ले सकते. तो सईद भाई की सेंस में बड़ी तगड़ी होती थी. हमारे एक और प्लेयर भी तो जिसने किताब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बस, सी फॉर कैट रखी थी, किताब रखी थी इंग्लिश सीखने के लिए. बता देना, बता ड्रामे खुद देखे उसके साथ, बताओ ना. रजाक का नाम नहीं लेना. मैंने लिया. बताओ रजाक तुम्हारे बारे में क्या. उसके बैग में से निकल आई किताब, यूसुफ बता रहा था. मगर ये वैसे देखे एक एक बहुत अच्छी एक बात है कि इफ यू आर गोइंग फर्दर कि आप कोई लैंग्वेज का उबूर हासिल कर रहे हैं तो अच्छी बात है. बट मुझे ये लगता है कि जो हमारे सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स है उसका वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. मतलब बाबर को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल ना लग रहे हैं, ये मकसद. कोई बात नहीं, शुरू तो कहीं से भी करेंगे. शुरू नहीं, मगर ये जो लड़के, ये जो यूसुफ है या शाहिद है या रजाक है या मायसेल्फ, कोई भी, जिन लोगों ने शर्माया नहीं ना, वो कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे करम. अब क्या वजह इसकी, इसकी बात ये कि आप जब फेलियर से नहीं घबराते ना आम जिंदगी में, आप मैच में जाके भी नहीं घबराते, आप चांस लेते हो. और जितने भी बड़े प्लेयर बने हैं, जितने जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जिताया है, उनके अंदर एक चीज आप देखिएगा, बाहर वाली जिंदगी में वो चांस लेते हैं जी. वो गलती से नहीं घबराते. हाँ. तो वरना आप आपकी नॉर्मल जिंदगी अफेक्ट करती है, रिलेट करती है आपकी अंदर वाली क्रिकेट वाली जिंदगी से. आपके कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा हिट होता है उस बात का, मतलब हमारे फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने इंग्लिश जो सीखी ऐसी सीखी है, बिल्कुल डरता ही नहीं था, बोलता था इंग्लिश. हां वो जो भी आता था, और वो पब में जॉब करता था, कह रहा है कि वहां पे सीखी है. मुझे बता के मैंने वहां पे सीखी, मुझे नहीं, मुझे पता नहीं था, यूसुफ ने बताया मुझे. अबे यार सब मेरे पे खा रहे हमने ये देखा उसका कॉन्फिडेंस लेवल में बता रहा है, वो कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा था. उसने इसी तरह इंग्लिश जाम शर्मा का मुंह इधर इंग्लिश नहीं आई. और देखे जो नाम मेरा ले रहा है मैं नहीं कह रहा, मैं ये खुद कह रहा हूं. बट जहां कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, बोथ पार्टनर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ एट द क्रीज. और इस वक्त धुआंधार बैटिंग हो रही है, नर्वस 90s पर केएल है काफी देर से. बहुत देर पहले मैंने जब स्क्रीन देखा था तो इट वाज 96, अभी 98 पे गालिबन जो है ये पहुंचे हुए हैं. और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो दोनों जो प्लेयर्स इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं दे आर परफेक्टली वेल सेटल्ड. रन अच्छे खासे हो गए हैं, 308 रन्स बन चुके हैं दो विकेटों के नुकसान पर. एंड 47th ओवर चल रहा है, 3 more overs टू गो. देखना है कि कहाँ ये किस तरह किस रुख पे जाता है. हमारे बैटर्स होंगे आज भरपूर किस्म के चैलेंज